एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर मोमेंटम, तो एक बॉडी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, एल कॉन्स्टेंट है उसका, और आई वन ग्रेटर देन आई टू, मतलब पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था और फिर उसने अपनी बॉडी को फोल्ड कर लिया होगा और आई टू क्या हो गया, कम हो गया, उसने आई की वैल्यू को कम कर लिया. प्रूव दैट ई वन इज लेस देन ई टू. अब इस केस में ये क्वेश्चन के अंदर एक एंगुलर मोमेंटम इन्वॉल्व है, एक आई इन्वॉल्व है और एक ई इन्वॉल्व है, ई आई और एल. तो हमने याद करो वर्क एनर्जी पार में एक फॉर्मूला किया था, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम, हाफ एम वी स्क्वायर मॉडिफाई करके पी स्क्वायर बाय टू एम निकाला था मोमेंटम की फॉर्म में. उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में ई की जगह ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पी की जगह एल लीनियर मोमेंटम रिप्लेस बाय एंगुलर मोमेंटम, और एम इज रिप्लेस्ड बाय आई. तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, एल बोलो क्या होता है, एल होता है आई टाइम्स ओमेगा, ऐसे. तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स आई, आई से आई कैंसिल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये किया था ना हमने, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये किया था. इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मॉडिफाइड फॉर्मूला है, क्लियर है. तो इसमें मेरे क्वेश्चन में ई क्या है, एल स्क्वायर बाय टू आई, एल कॉन्स्टेंट है बॉडी का, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. अगर आई बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, तो ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. हो गया प्रूफ, आई वन ग्रेटर देन आई टू, तो ई टू लेस देन, या आई वन अगर बढ़ा है तो ई क्या है, छोटा है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोचना है. जैसे क्वेश्चन है, एक बॉइल्ड एग है और एक रॉ एग है, कच्चा अंडा है और उबाल के अंडे को ले आए और उसको गोल घुमा दिया, कौन ज्यादा रोटेशन शो करेगा. जो बॉइल्ड, जो रॉ एग है, अंदर लिक्विड है, जब वो एग घूमेगा तो लिक्विड बाहर की तरफ जाएगा, वॉल्स की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर गिरने की कोशिश करेगा, तो एक्सिस से उसके मासेस दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो उसका आई कम हो जाएगा, आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, सॉरी जो रॉ एग है उसमें आई बढ़ जाएगा, दूर चला गया तो ओमेगा कम हो जाएगा. लेकिन जो बॉइल्ड एग है वो चिपक जाता है तो पार्टिकल पास आ जाते हैं, तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होगा तो ओमेगा ज्यादा, तो बॉइल्ड एग जो है वो तेज घूमेगा और ज्यादा देर तक घूमेगा, ओमेगा उसमें ज्यादा होगा. ठीक, यहां तक क्लियर है.